इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद ईसा ने सीमोन पेत्रुस से कहा, सीमोन यूहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेत्रुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे यह कहता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेत्रुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेत्रुस से कहा, मेरा अनुसरण करो।